5G सर्विस के लॉन्च डेट पर सस्पेंस बरकरार है। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद हर कोई अपने स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क देखना चाहता है। टेलीकॉम कंपनियों ने भी अभी तक 5G सर्विस लॉन्च की कोई तय तारीख नहीं बताई है। केंद्रीय IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने जल्द 5G सर्विस शुरू होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को बताया कि भारत में 5G सर्विस 12 अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी। लॉन्चिंग के बाद दूसरे शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि 5G अगले 2 से 3 साल में देश के हर हिस्से में पहुंच जाए। हमारी कोशिश है कि सर्विस अफोर्डेबल बनी रहे। इंडस्ट्री शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों पर फोकस कर रही है। कब तक लॉन्च होगी 5G सर्विस? केंद्रीय मंत्री ने बताया, हम तेजी से 5G सर्विस रोल आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस मामले में काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि 5G सर्विस 12 अक्टूबर तक लॉन्च हो जाएगी, फिर दूसरे शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 17,876 करोड़ रुपए की पेमेंट मिल चुकी है। हाल ही में हुए ऑक्शन के लिए एयरटेल, जियो, VI, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क्स ने ये भुगतान किया है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसमें सबसे ज्यादा जियो ने बोली लगाई है। 5G सर्विस लॉन्च डेट की तारीख अभी तय नहीं हुई है।